बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस, वो भी हमारे स्टाइल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है एक पैन। सबसे पहले स्टेप, हम तैयार करेंगे मज़ेदार सा चिकन। चिकन बनाने के लिए पैन लेंगे, फ्लेम ऑन कर देते हैं। पैन में डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को सौते करते हैं। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज को हमने ओवरकुक नहीं करना है। जैसे ही थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट होती है, हम इसमें डाल देंगे अदर इंग्रेडिएंट्स। सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने। इसे मैंने जूलियन कट में इस तरह से देखें काट लिया है। ये देखें, जूलियन कट चिकन ब्रेस्ट शामिल कर देते हैं प्याज में। चिकन को अच्छी तरह से हम ऑयल में भूनेंगे। देखें कितनी जल्दी चिकन का कलर चेंज हो गया, चिकन पिंक से एकदम वाइट हो गई है। चिकन ने अपना कलर ऑयल में जाते ही चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस। और अब हम चिकन को कर देते हैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए। और यहाँ करते हैं अगले स्टेप की तैयारी। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे राइस की तैयारी, जिसके लिए हम लेंगे एक वोक। वोक में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। देखें चावलों को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिया था। चावल मैंने लिए हैं 400 ग्राम। 400 ग्राम चावलों को मैंने 1 टेबलस्पून नमक डालकर और 1 टेबलस्पून सिरका डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है, ताकि ये आपस में नहीं चिपकें। और अब आप देख लीजिए कि ये कितने ज़बरदस्त चावल बॉयल हुए हुए हैं। चलें इन्हें ऑयल में शामिल करते हैं। चावलों में अब हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, चावलों को एक बेहतरीन सा टेस्ट देने के लिए। चावलों में हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाइनीज सॉल्ट। चलें मिक्स करते हैं चावलों को। चावलों में कलर भी अच्छा सा आ गया है और फ्लेवर भी डाल दिया हमने। चलें अब हम चावलों में ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। इसमें हम डालेंगे स्वीट कॉर्न और 4 टेबलस्पून मेरे पास हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई गाजरें, 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च और ये 1/4 कप है बंद गोभी और ये थोड़ी सी गोभी है 2 टेबलस्पून के करीब। एक अच्छे से कलर के लिए ये डाल देंगे पर्पल कलर की। चलें मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हम फ्लेम कर देते हैं हाई और तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से
स्टर फ्राई करेंगे। देखें मज़ेदार से चावल रेडी हैं। अब चावलों को हम निकाल लेते हैं एक बोल में। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। चावलों को हमने अच्छा सा फ्लेवर देकर एक बोल में निकाल लिया है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप के लिए हम बनाएंगे मज़ेदार से स्पेगेटी नूडल्स, जिसके लिए हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, जो कि मैंने लिया है 1/2 कप के करीब वाइट एंड 1/2 कप ग्रीन पार्ट, टोटल 1 कप। चलिए वाइट पार्ट डालते हैं जल्दी से। अच्छे से हल्का सा फ्राई करते हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज देखें सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें कि मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून मटर के दाने, 1/2 कप शिमला थिनली चॉप्ड, 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे गाजरें, ये भी हमने बहुत बारीक काट ली हैं, और 1/2 कप हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। अब इनको करते हैं जल्दी से फ्राई, ताकि सब्जियों का कलर ख़राब ना हो और ये अच्छे से पक भी जाएं। इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट स्पेगेटी मैंने लिया था। स्पेगेटी को मैंने 1 टेबलस्पून नमक और पानी डालकर और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर बॉईल कर लिया है, वो शामिल कर लेते हैं। चलें अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, और मिक्स करते हैं अच्छे से। फुल फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे। सोया सॉस में भी नमक है और हमने स्पेगेटी बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। फिर से मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रीन अनियन का पार्ट, जो हमने यहाँ लेफ्ट ओवर रखा था। अच्छे से मिक्स करते हैं। चलें 2 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। 2 मिनट हो गए हैं, चलें स्पेगेटी को चेक कर लेते हैं। स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम फ्लेम ऑफ करके दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर लेते हैं। चिकन को चेक करते हैं। ये देखें चिकन गल के बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर कर चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1.5 टेबलस्पून हॉट सॉस। मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। अब हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। चलिए असेंबल करते हैं सिंगापुरियन राइस को। सिंगापुरियन राइस असेंबल करने के लिए मैंने लिया है 1 प्लेटर। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे राइस। साइडों पे थोड़े से और डालेंगे ताकि अच्छा सा लुक आए। चलें अब हम इसमें डालेंगे स्पेगेटी। चलें स्पेगेटी डालते हैं। अब हम डालते हैं चिकन का जो हमने मिक्सचर बनाया है। चिकन की हमने लेयर लगा दी है। अब हम इस पे लगाते हैं एक बेहतरीन सा बघार। बघार बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटा फ्राई पैन। फ्लेम को जरा हाई करते हैं
इसमें डालेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखें भगार अच्छा सा रेडी है, अब हम भगार डालते हैं। चलें देखें ये भगार डाल देंगे इसके ऊपर, कितने जबरदस्त चिप्स फ्राई हो गए ये देखें। अब तक हम 5 स्टेप मुकम्मल कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेप हमने किया चिकन बनाने का, दूसरे स्टेप में हमने राइस बनाए, तीसरे स्टेप में हमने स्पेगेटी बनाई और चौथे स्टेप में हमने बनाया भगार। ठीक है, 4 स्टेप अब तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने 5वें स्टेप पर। 5वां और लास्ट स्टेप हमारा है, एक बेहतरीन सी हम इसके लिए बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप मायनीज। 1/4 कप मायनीज ली और उसमें डाल दिया है हमने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें व्हाइट विनेगर, इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए। और अब हम इसका अच्छा सा घोल बनाते हैं। अब हम डालेंगे एक बॉटल के अंदर। बॉटल को बंद करते हैं और अब हम ड्रिजल करेंगे प्लेटर पर। ये सॉस डालने से आप खुद चेक कीजिएगा, मजा बिल्कुल दोबारा हो जाएगा। जितना पसंद हो उतना डाल लीजिए। मजेदार सिंगापुरियन राइस का प्लेटर स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से जरूर बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसे लगी आपको सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।